आज होली है होली मुबारक होए इनको भी होए और आप लोगों को भी होए और सबसे बढ़िया सबको अच्छे अच्छा होली के दिन खुश रहना चाहिए हाँ जो भी पेट के अंदर है गंद है होली वाले दिन सबको अलग धो देना चाहिए गले से गले मिलके रहना चाहिए बिना पानी और बिना रंग के मनाई गई होली खरखोदा उपमंडल के गांव सिसाना में एक परिवार ऐसा जिसमें बिना पानी के और बिना रंग के होली मनाई गई जिस परिवार को आश्रम सिसाना के नाम से जाना जाता है जिसको मंडोरा गांव के ऋषि ने 2015 में सर छोटू राम ग्लोबल संस्थान के नाम से शुरू किया जिसमें अब लगभग 11 महिलाएं व पुरुष रहते हैं लेकिन होली के त्यौहार आने पर कुछ व्यक्ति अपने घर चले गए हैं वृद्ध आश्रम में रहने वाली चंद्रवती ने बताया कि जब से ये खरखोदा के गांव से साना में ये आश्रम शुरू हुआ है तब से ही वो इसी आश्रम में रह रही है उसे करीब छह वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए उन्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है लेकिन रोजाना बच्चों की बहुत याद आती है उनका कहना है कि आज सोमवार को उन्होंने बिना पानी और बिना रंग के होली मनाई है जिसमें उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर होली मनाई है उन्होंने ये भी बताया कि रंगों में काफी प्रकार का केमिकल होता है जिससे हर प्रकार से नुकसान होता है चंद्रवती का कहना है कि हम सबको खुशी खुशी त्योहार मनाना चाहिए हम सबको पानी बचाना चाहिए जल है तो कल है मेरा नाम चंद्रवती है मैं यहाँ 2015 से रहती हूँ सीसाना गांव में एक ये आश्रम है जिनके ऋषि दया ने खोला हुआ है रहने वाले वो मडोरे के हैं और मेरे को यहाँ छः साल हो गई आज मैंने क्यों इन भाइयों और बहनों को और इन माता जी को आज होली है होली मुबारक होए इनको भी होए और आप लोगों को भी होए और सबसे बढ़िया सबको अच्छे अच्छा होली के दिन खुश रहना चाहिए हाँ जो भी पेट के अंदर है गंद है होली वाले दिन सबको अलग धो देना चाहिए गले से गले मिल के रहना चाहिए हाँ मैंने देखो भाइयों और बहनों और सारे जने मेरे प्यार से सुनो मतलब ना मैंने पानी से मनाई है ना रंग से मनाई है मैंने मिठाई से मनाई है और हम जैसे दस बारह आदमी यहाँ रहते हैं तो वो और अपने बच्चों में होली मनाने गए हैं इस टाइम हम चार पांच आदमी हैं तो हम मिठाई से मना रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें